शाहजहांपुर जनपद से जहां 134 विधानसभा पोया अंतर्गत खुटार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक सभा को संबोधित किया और कहा भाजपा गरीबों को मकान राशन देने का काम करती है। इस दौरान उन्होंने जनसभा में उमड़ा भारी जनसैलाब से अपील करते हुए कहा सभी लोग 14 फरवरी को भाजपा प्रत्याशी चेतराम के पक्ष में मतदान करें, उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं और प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने का काम करें। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता रजनीश दीक्षित, पूर्व मंत्री विनोद तिवारी, बलवीर सिंह, पूरन लाल लोधी चेयरमैन, अनुपम शुक्ला, अनुराग सिंह पूर्व प्रमुख पोया ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस राज्य के अंदर राम बनाने पर प्रतिबंध लगेगा। मित्रों, योगी सरकार आने के बाद जयराम जी के कारण कांवड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से कोई पुष्प की वर्षा करवाया तो योगी सरकार का हेलीकॉप्टर सरकारी पुष्प से वर्षा करवाए। मित्रों, यह सरकार है गुरु गोविंद सिंह के बच्चे साहबजादे स्वतंत्रता सेनानियों ने गले में फांसी फंदा राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए। क्या विधायक के लिए, क्या सांसद के लिए, क्या करोड़पति बनने के लिए, दल बनाकर लूटने के लिए नहीं, केवल भारत माता जय के लिए, वंदे मातरम के लिए, राष्ट्र सुरक्षित के लिए। मित्रों, एक प्रधान सेवक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, जब आपका अपना भाई लंदन के धरती पर उतरता है और विक्टोरिया महल में प्रवेश करता है तो भारत माता वंदे मातरम का नारा पहली बार दुनिया के धरती पर सुनाई देता है। मित्रों, ये आपका दल है और आपका नेता है। दुनिया का कोई राष्ट्रपति धरती पर उत्तर प्रदेश को उतरता है मित्रों तो भोलेनाथ का अभिषेक काशी विश्वनाथ में करता है और गंगा आरती करता है। मित्रों, ये आस्था का सम्मान आपके कारण बढ़ा है। बाकी